नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी बेहतर रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। इसी कड़ी में आपके प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक और संजय सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी यूपी की सभी 760 निकाय सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस मुद्दे पर हमारी संवाददाता सुहानी सिंह ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक से खास बातचीत की है, चलिए सुनते हैं। चुनाव मई या जून में होने की आशंका है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी और राज्यसभा के सांसद संदीप पाठक ने बैठक की है, तो आइए जानते हैं कि ये बैठक किस तरह से थी और सर क्या क्या इसमें आप बोले कि निरीक्षण भी किए हैं, तो किस तरह से बैठक है निकाय चुनाव को लेकर? तो आम आदमी पार्टी ने ये तय किया है कि निकाय चुनाव में सारी सीटों पर लड़ेंगे। आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण थी, इसमें दो तीन चीज़ों पर डिस्कशन हुआ। एक तो अभी की वस्तु स्थिति संगठन की क्या है और संगठन को और आगे कैसे मजबूत कर सकते हैं। उसके अलावा चुनाव स्पेसिफिक जो मुद्दे हैं कैंपेन को लेकर, कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर, उन सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ और एक एक करके हमने ये तय किया है, एक डेडलाइन बनाया है कि इस तारीख तक ये सारे टास्क पूरे हो जाएंगे। मोटा मोटे मेरा ये मानना है कि अब तक जनता के पास विकल्प नहीं था, इस बारी विकल्प है आम आदमी पार्टी के रूप में, तो जनता इस बारी आम आदमी पार्टी को मौका देगी। सर आपने कहा विकल्प नहीं मिला, अगर विकल्प मिलेगा आपका, मान लीजिए यहाँ पे सीट मिलती है उत्तर प्रदेश में, तो सर क्या बदलाव करना चाहेंगे यहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव वो डिपेंड करता है कि कहाँ सरकार बनती है, कैसे बनती है, कितनी सीट मिलती है। सबसे जरूरी चीज जो है आपकी राजनीति ईमानदार होनी चाहिए। अगर आपका नियत साफ है और राजनीति ईमानदार है तो सारी चीजें हो सकती है। और क्या चीजें जरूरी है अगर आप देखोगे तो किसी भी व्यक्ति के पास आप जाइए और उनसे पूछिए कि भाई आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए क्या चाहिए, तो एक व्यक्ति कहेगा कि मेरे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाए, जब भी बीमार हो अच्छा अस्पताल हो जाए, जो सरकार के सारे व्यवस्था है करप्शन बंद हो जाए, इसके अलावा महंगाई कम हो जाए, रोजगार मिल जाए, यही सारी चीजें हैं जिस पर जनता का पूरा जीवन टिका रहता है। सर सबने पूछा इन्वेस्टर समिट जो अभी सर चल रहा है, सर 3 दिवसीय G20 भी होने वाला है, तो सर क्या लगता है कि जो भाजपा सरकार जो सोची थी उसे 3 गुना ज़्यादा सर MOU साइन हुआ, तो क्या इससे सर युवाओं को ज़्यादातर दिया जा रहा है फोकस कि उनके रोजगार में बढ़ावा मिलेगा, तो आपको सर क्या लग रहा है? देखो, इन्वेस्टमेंट्स के लिए समिट करना बहुत अच्छी बात है, ये करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट आएगी तभी रोजगार भी बढ़ेगा और देश और राज्य की तरक्की भी होगी। मेरा प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये जितने ताम झाम से इन्वेस्टर समिट करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए के MOUs साइन होते हैं, वो MOUs थोड़े दिन के बाद गायब हो जाते हैं, ट्रांसलेट नहीं होते, ज़मीनी हकीकत पे नहीं होते। तो सरकार को वाइट पेपर लेके आना चाहिए कि भाई अगर वाइट पेपर ना भी लाए चलो तो किसी भी ऐसे समिट में इन्हें पहला दिन डेडिकेट करना चाहिए कि पिछले समिट पे क्या क्या कमिटमेंट आए थे, कितने लोग बीच में कमिटमेंट से हट गए, कितने लोग बीच में भाग गए और एक्चुअली में कितना ट्रांसलेट हुआ, कितना काम हुआ, इनको पहले दिन ये बताना चाहिए। अदरवाइज MOUs तो साइन हो जाते हैं, MOU साइन होना कोई बड़ी बात नहीं है, MOU साइन होने के बाद जमीनी हकीकत में कितना आता है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा के सांसद संदीप पाठक, जिनका कहना है कि निकाय चुनाव के लेके पूरी तैयारी हम लोग कर चुके हैं और वही इन्वेस्टर समिट को लेके सिर्फ एक जब जो होता है ये कागज के तौर पर दिखा है, ना कि ठीक है इन्वेस्टर समिट हो रहा है लेकिन ये जनता को भी मिलना चाहिए, उसका जो रोजगार के लिए बढ़ावा मिल रहा है उसे कहीं ना कहीं दिखावा मिलना चाहिए, जमीनी मिलना चाहिए, सिर्फ कागजों पर नहीं दिखाना चाहिए। कैमरामैन सुधीर के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी लखनऊ। लखनऊ के BKT में बने SR ग्लोबल कॉलेज में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की मौत के राज पर से पर्दा उठने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और जांच आगे बढ़ाती है, घटना पर पहुंचकर सीन को दोहराती है। इस मामले पर छात्रा के परिजनों का कहना है कि पुलिस दबाव में है और प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने से आनाकानी कर रही है। परिजनों ने कहा कि उन्हें पुलिस की जाँच पर भरोसा नहीं है, वो CBI जाँच की मांग करते हैं। विद्यालय में कमरे में अभी तक कोई तालाबंदी नहीं होने की वजह से उन लोगों ने सामान को इधर उधर किया है, पूरा सामान छीना है, देखा है, अपने हिसाब से सबूतों को बताया है और नए आत्महत्या के सबूतों को बनाने की भी कोशिश की है और बना रहे हैं
सोशल मीडिया पे एक मैसेज आया था कि जिसमें बेटी का एक पत्र पकड़ा गया जिसमें क्रिकेटर के बारे में लिखा है, वो भी उन्होंने गलत किया है। इतनी घिनौनी हरकत कर रहे हैं, बेटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और आत्महत्या की ओर ले जा रहे हैं मामले को। और इन सब के पीछे बड़ी ताकत पवन सिंह जो हैं वर्तमान MLC सत्ता पक्ष से हैं, उनके कारण ये सब कुछ किया जा रहा है। अपने मन मुताबिक वो जो करवाना चाहते हैं वो हो रहा है, आत्महत्या की ओर मामले को ले जा रहे हैं। हत्या साबित ना हो सके इसके सारे सबूत मिटा रहे हैं, नए सबूत आत्महत्या के सबूत बना रहे हैं और पूरा पूरा अपने कद और पद का फायदा उठा रहे हैं। और इस प्रकार से हमें न्याय मिल पाना उनसे संभव नहीं है। अब मैं अपने CM साहब से CBI द्वारा जांच कराने की मांग करूंगा। लखनऊ के BKT स्थित SR ग्लोबल कॉलेज में 20 जनवरी को प्रिया राठौर की मौत हो जाती है। उसके बाद लगातार परिजन सवाल करते हैं हॉस्टल प्रबंधन से, पुलिस से, लेकिन अब तक तकरीबन 3 हफ्ते बीतने को हैं, इस घटना का पुलिस खुलासा नहीं कर पाई। पुलिस के हाथ अब तक खाली है। तो वहीं प्रिया के परिजन लगातार ये बोल रहे हैं कि उसके हॉस्टल में जो उसका कमरा था वहाँ पर ताला नहीं लगा और सबूतों के अभाव में पुलिस जांच नहीं कर रही। तो जो हॉस्टल के जो मालिक हैं पवन सिंह चौहान, जो BJP के सीतापुर से MLC है, उस पर भी लगातार जो परिजन है उसके पिता हैं जसराव, वो भी इस बात को ही कह रहे हैं कि पुलिस उनके दबाव में, या फिर कहिए कुछ बड़े लोग के दबाव में पुलिस अब तक काम नहीं कर पा रही है। क्योंकि 3 हफ्ते हो गए और पुलिस के सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ था कि प्रिया की रीढ़ की हड्डी टूटी है और तमाम जो है फ्रैक्चर्स हुए। उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और देखना ये भी है कि लगातार जो DCP नॉर्थ की टीम है वो इस पर काम कर रही है। लेकिन सवाल ये भी सबसे बड़ा उठता है कि इतने हफ्ते हो गए पुलिस अब तक खाली क्यों है, क्योंकि ना ही कोई गिरफ्तारी हुई और हॉस्टल प्रबंधन के लगातार जवाब भी बदल रहे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वजह है जो अब तक प्रिया की मौत का खुलासा नहीं हो पा रहा है। इसको लगातार प्रशासन आत्महत्या और हत्या से दोनों से जोड़ रहा है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इस बात का खुलासा होता है और प्रिया की मौत का कब तक जो भी अनावरण निकलता है और उसके परिजन को कब तक न्याय मिल पाता है। कैमरामैन नीरज के साथ सागर थापा, Prime TV लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।